अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फाइजा कुकिंग स्टूडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कस्टर्ड रेसिपी, वो भी विलेज स्टाइल में। गांव में जब भी कोई त्यौहार होता है, छोटी ईद का मौका हो या बकरा ईद का, या जब किसी के घर में कोई मेहमान आता है तो लोग ये कस्टर्ड लाजमी बनाते हैं। और जब मैं अपनी अम्मी की तरफ जाती हूँ तो मेरी अम्मी भी ये कस्टर्ड बनाती है। और यकीन जाने जितना सादा तरीके से ये बनता है, ये खाने में भी उतना ही मज़ेदार होता है और ये बहुत ही कम चीज़ों से बन जाता है। और तकरीबन हर घर में ये एक ही तरीके से बनता है। तो हम ज़्यादा बातें नहीं करते, कस्टर्ड की रेसिपी की तरफ आते हैं। कस्टर्ड हम लेंगे 6 खाने के चम्मच। मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर इस्तेमाल कर रही हूँ, आप वनीला या मैंगो कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कटे हुए बादाम 2 खाने के चम्मच, खोपड़ा कद्दूकश किया हुआ 1/2 कप, चीनी 1 कप। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। दूध हम लेंगे 1.5 किलो। तो चले हम कस्टर्ड तैयार करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम देगची में दूध डालेंगे और इसमें से हम 1/2 कप दूध जो है वो मिक्सर के लिए बचा लेंगे। और एक चीज मैंने आपको बतानी थी कि ये फुल क्रीम मिल्क है। दूध में उबाल आने देंगे और जब तक दूध में उबाल आता है तब तक हम कस्टर्ड का मिक्सर तैयार कर लेते हैं। मिक्सर तैयार करने के लिए हम एक बर्तन लेंगे और इसमें 1/2 कप दूध डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 6 चम्मच कस्टर्ड के। कस्टर्ड डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि ये स्मूथ और क्रीमी हो जाए और इसमें लम्स ना रहें। ये देखिए हमारा मिक्सर जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसको इस साइड पे रख देंगे। दूध में उबाल आ गया। अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले चीनी। चीनी को मिक्स करेंगे। चीनी मिक्स हो चुकी है। अब हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसमें डालेंगे कस्टर्ड का मिक्सर। कस्टर्ड के मिक्सर को थोड़ा थोड़ा डालेंगे और साथ में चम्मच को हिलाते जाएंगे। एक बात का ख्याल रखिएगा कि कस्टर्ड के मिक्सर को एकदम नहीं डालना, अगर एकदम डालेंगे तो कस्टर्ड में गुठलियाँ बन जाएंगी। एक हाथ से चम्मच को हिलाते जाएंगे और साथ थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड डालते जाएंगे। इस तरीके से डालेंगे और साथ साथ चम्मच को हिलाते जाएंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट हम कस्टर्ड को लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तकरीबन 5 मिनट हो गया है, हमारा कस्टर्ड रेडी है। अब यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे कद्दूकश की हुई खोपड़ा। थोड़ी सी गार्निश के लिए बचा लेंगे। इसको मिक्स करेंगे और अब इसमें डालेंगे कटे हुए बादाम। इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट इनको मिक्स किया और मिक्स करने के बाद ये देखें हमारा कस्टर्ड जो है वो तैयार है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और कस्टर्ड को उतार लेंगे। अब एक बाउल लेंगे और उसमें कस्टर्ड को निकाल लेंगे। इसको रूम टेम्परेचर पे तकरीबन 10 मिनट तक रखेंगे ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए और इसके बाद इसको गार्निश करेंगे। अच्छा जी, रूम टेम्परेचर पे रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको गार्निश करेंगे। इस तरीके से हम खोपड़े के साथ गार्निश कर देंगे और बादाम के साथ गार्निश करेंगे। हाँ, आप इसके ऊपर अपनी मर्जी से नट्स वगैरह भी लगा सकते हैं। तैयार है मजेदार कस्टर्ड। आप इसको फ्रिज में 2 से 3 घंटे ठंडा होने के लिए रखें और उसके बाद खाएं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे अपने कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।